इतनी बारिश हो रही है ना, आज मुझे था कि मैं सुरेश को मना करूंगी कि ऑफिस नहीं जाओ। बच्चों को मैंने दिया है अभी हल्दी वाला। आज मॉर्निंग में मैं बना रही थी सूजी के अप्पम, तो मैंने सारी वेजिटेबल्स कट करके रख दी थी। और इसमें ना जितना आप सूजी रखें उतनी ही क्वांटिटी में आपको कर्ड भी रखनी होती है, और दोनों को ना अच्छे से मिक्स कर दें। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ी देर आप इसको रेस्ट करने के लिए रख दें, जिससे कि ये प्रॉपर तरीके से सेट हो जाए। ये स्टेप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखेंगे कि 5-10 मिनट बाद ये जो सूजी होती है बहुत ही अच्छे से सेट हो जाती है। उसके बाद आप इसमें वेजिटेबल्स ऐड करें, अगर चाहें तो इसमें थोड़ा सा आप वाटर भी ऐड कर दें, जिससे कि इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो बिल्कुल सही हो जाती है। अच्छा, वेजिटेबल्स में कैरेट आप इसमें ऐड करना नहीं भूलें, क्योंकि अगर आप कैरेट इसमें ऐड करेंगे ना तो ये देखने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं और फ्लेवर भी इसका बहुत अच्छा आता है। नॉर्मल मसाले मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, जो भी आपके किचन में होते हैं वही सब मसाले यहाँ पर हैं। अगर आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, बट क्योंकि मैं ये बच्चों के लिए बना रही थी तो मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगी। इसको अच्छे से सेट करने के बाद मैंने इसको ढक कर थोड़ी देर के लिए रख दिया था, क्योंकि सडनली ही मुझे पता चला कि अथर्व के स्कूल की भी हॉलीडे हो गई थी, तो उसके बाद तो हम बिल्कुल लेजी हो गए थे, मस्ती करने लग गए थे। अथर्व भी लेजी हो गया था, उसके बाद फिर बात वगैरह भी मेरा कैंसिल हो गया बच्चों को करवाना, और उसके सुरेश फिर थोड़ी देर बाद ऑफिस के लिए निकल गए थे। तब तक मैं बच्चों के साथ थोड़ा बहुत एंजॉय करती रही, और उसके बाद अथर्व की थी आज ऑनलाइन क्लास, क्योंकि यहां पर हैवी रेन की वजह से बच्चों की आज फिर से हॉलीडे थी। बट ऑनलाइन क्लास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन अभी हो गया है, 1-2 घंटे बच्चे सुबह बिजी इसमें रह लेते हैं। क्लास ख़त्म होने के बाद मैंने इस बैटर में थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड किया था, और उसके बाद जस्ट मैंने बच्चों के लिए अप्पम बना दिए थे, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो 9:45 हो गए थे और बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई थी। तो जैसे ही क्लास ख़त्म हुई ना, मैंने बच्चों को बात करवाया, और उसके बाद मैंने बच्चों का ब्रेकफास्ट निकाल दिया था। वेलकम बैक टू द चैनल द मॉमिशर्स। तो आज है फ्राइडे, और आज भी अथर्व की हो गई थी स्कूल की हॉलीडे, क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ बारिश हो रही है और रेन की वजह से यहाँ पर अलर्ट भी है, 2-3 दिन से ही चल रहा है। तो कल भी अथर्व की ऑनलाइन क्लास थी, और आज भी ऑनलाइन क्लास थी, बट आज इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई ना ऑनलाइन क्लास में सीरियसली, क्योंकि ना आज क्या हुआ कि मॉर्निंग में हमारा वाईफाई भी नहीं आ रहा था, क्योंकि जनरली क्या होता है जब अथर्व की क्लास चलती है ना ऑनलाइन क्लास, तो मैं अर्थू को क्या करती हूँ, थोड़ी देर में टीवी के सामने बिठा देती हूँ, थोड़ा बहुत स्नैक्स मैं उसको देती रहती हूँ, जिससे कि वो थोड़ा सा बिजी रहे, मतलब बीच बीच में मैं उसको भी देखती रहती हूँ इस टाइप से ना। बट आज क्या हुआ, वाईफाई आ ही नहीं रहा था, तो लिटरली अर्थू भी पूरा क्लास पूरे टाइम मतलब वो अथर्व के साथ ही बैठा रहा क्लास में, इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई ना। अब मैं क्या कर सकती हूँ यार, इसमें तो अब कुछ और नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना जब अर्थू थोड़ा छोटा था ना, गोदी में था, तब तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, कि मैंने फीड करा दिया, थोड़ा सा मतलब होता ना सोने का टाइम उसका वही रहता था, बट अभी तो कुछ नहीं हो सकता। ऑनलाइन क्लास में थोड़ा बहुत तो हो गई, ऊपर से सुरेश का जो ऑफिस था वो भी मॉर्निंग में ही था, तो वो भी 8:00 निकल गए थे। और बच्चों का हो गया है ब्रेकफास्ट, आज मैंने क्लास 9:45 पे ख़त्म हुई थी अथर्व की, उसके बाद मैंने दोनों को बात करवाया, फिर मैंने दोनों को ब्रेकफास्ट दिया, उनको खिलाकर उसके बाद मैं बात करने गई, तो अभी ना 11 बजने वाले, तो मुझे आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। अभी मैं बात करके आई हूँ, अभी मैंने पूजा करनी है, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, तो आज का थोड़ा सा लेट हमारा हो गया है। बट ठंड हो गई है यार, मतलब जनरली बॉम्बे में हम लोगों को इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है कुछ भी ना, फुल स्लीव्स की तो बिल्कुल भी नहीं, बट मैंने तो जो मेरे थोड़े शर्ट्स वगैरह रखे हुए थे ना पुराने, वही सब मैंने निकाल लिए हैं घर में, क्योंकि जनरली यहाँ पर क्या है ना, स्वेटर्स वगैरह तो पहनने की नहीं होती है, बट हाँ ऊपर से थोड़ा शर्ट वगैरह कुछ पहन लो ना, तो थोड़ा सा मतलब ये होता है कि थोड़ा सा वार्म फील करते हैं तो अच्छा लगता है। तो वही है, बच्चों का भी मैंने ऐसे कराया, बच्चों को मैंने फुल स्लीव्स का ही पहनाया है, जगह ज़रूरत पड़ेगी तो दिन में मैं कुछ हुडी वगैरह ही पहना दूंगी।
तो चलिए फिर यार आज का दिन हम लोग स्टार्ट करते हैं। कि मैं सुरेश को मना करूँगी कि ऑफिस नहीं जाओ करके यार, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा पानी भी बहुत ज़्यादा भर जाता है यहाँ पर, पता नहीं चलता, फिर लोकल्स वगैरह में बहुत प्रॉब्लम होती है। बट यार वही ना यार, गवर्नमेंट जॉब सही में यहीं पर मुझे बड़ा वो लगता है गवर्नमेंट जॉब का ना, जब दिखता है कि इतनी बारिश हो रही, तो यार कुछ दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम कर दो, एक हफ्ते की तो बात है, उसके बाद तो फिर नॉर्मल हो ही जाएगा। बट कहाँ कुछ नहीं होता यार, ऑफिस तो बस जाना ही पड़ता है, वही वाली बात है। तो क्या कर सकते हैं बताओ, स्कूल तो फिर भी चलो घर से चल रहे हैं, बट ऑफिस का क्या दिया है? अभी हल्दी वाला दूध, क्योंकि आज मॉर्निंग का दूध इनका स्किप हो गया था, तो अभी 12 बजे मैं इनको ये मिल्क दे रही हूँ। मैंने यहाँ पर लंच निकाल दिया है बच्चों का, तो सिंपल पनीर और शिमला मिर्च की मैंने सब्जी बनाई है और पराठा बना दिया है बच्चों के लिए, यही सब दिए तो मैं आज बच्चों को लंच में देने वाली हूँ। तो यार आज मैं दिन में ना थोड़ा सा बिजी हो गई थी, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत वीडियोस का काम था, वो मेरा आज मैंने कर दिया। और अभी ना 5 बज रहे हैं और मैं बच्चों के लिए सोच रही हूँ कि कुछ बना दूँ। एक्चुअली क्या ना, आजकल मैं इनको जो इवनिंग का मिल्क होता है ना वो मैं नहीं देती हूँ, इस टाइम पर कुछ ना कुछ मैं स्नैक्स वगैरह बना देती हूँ, क्योंकि बच्चा आफ्टरनून में ही मिल्क इन्होंने पिया था दोनों ने ना। और अर्थुन आज प्रॉपर तरीके से लंच नहीं किया उसने, केवल आज पनीर ही खाया है, पराठा उसने एक दो बोलते ना टुकड़े ही खाए थे, उसके अलावा उसने कुछ नहीं खा रखा है। थोड़ा सा उसको भूख भी लगी होगी, मैं सोचू कुछ खाने को ही बना देती हूँ। तो मेरे पास ना कॉर्नस रखे हुए थे, वो कॉर्न ना थोड़े सूख गए फ्रिज में रखे, तो मुझे लगा मैं चीला ही इसका फटाफट से बना देती हूँ। तो ज़्यादा वेजिटेबल्स मैं इस पर ऐड नहीं करूँगी, सिंपल सा बनाऊँगी बिल्कुल, क्योंकि वेजिटेबल्स इतनी है भी नहीं घर में, और थोड़ी बहुत जो है वो मुझे कल के लिए भी चाहिए इस वजह से। तो चलिए मैं फटाफट से काम शुरू करती हूँ मैं। तो ये मेरे पास कॉर्नस रखे हुए थे जो कि ना फ्रिज में रखे रखे थोड़ा बहुत सूख भी गए थे, तो मुझे लगा चलो मैं इसका चीला ही बना लेती हूँ। तो इसको ना बस अच्छे से कद्दूकस करना होता है। अच्छा, जो कॉर्न के जो चीले होते हैं ना, उसको ना कुछ आप नहीं भी मिक्स करो, वेजिटेबल्स आप नहीं भी मिक्स करो, तो इसमें नॉर्मल मसाले ऐड करके भी ये नॉर्मल चीला भी बन जाता है। इसमें मतलब ज़रूरी नहीं है कि वेजिटेबल्स कट करनी होती है। पहले जो हमारी मम्मी लोग ये चीले जब बनाते थे ना, तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं करते थे, खाली कॉर्न के ही बनाते थे। बट इसमें मैंने, क्योंकि थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था इसकी क्वांटिटी, तो मैंने इसमें एक कटोरी बेसन भी ऐड किया था, और सिंपल मैंने मसाले यहाँ पर ऐड करे थे, और कोई भी मैंने यहाँ पर वेजिटेबल्स बच्चों के लिए नहीं इसमें कट करी थी। सिंपल इसको जैसे जो कंसिस्टेंसी होती है चीलों की, वैसे ही बनाना होता है। और आप कैसे भी शेप बना सकते हैं, मुझे लगा था मैं थोड़ा पैनकेक टाइप के शेप के बनाऊंगी छोटे छोटे, तो खाने के लिए भी अर्थू को थोड़ा सा ईजी हो जाएगा इस वजह से, तो मैंने इसी टाइप के ये बनाना प्रिफर किया था। अभी बैठी हूँ, अपनी चाय लेकर आई हूँ, और पहले मैंने सोचा था कि ग्रीन टी बनाऊंगी, बट मुझे इतनी टायर्डनेस हो रही है ना आज की, मैंने जो मीठी वाली चाय होती है ना वही मैं नॉर्मल चाय बना के ले आई हूँ। और आज पूरे दिन में इतनी ज़्यादा कुकिंग हुई है ना, मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बच्चों के लिए ना काफ़ी ज़्यादा कुकिंग हो गई है। और सही में ना कभी कभी क्या होता है ना, अर्थू का मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मतलब प्रॉपर जैसे वो मील नहीं लेता ना, तो पूरा टाइम वो थोड़ा 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 खाता है, जिसकी वजह से पता ही नहीं चलता कि उसका पेट भरा है या नहीं भरा है, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, और इस वजह से कुकिंग भी ज़्यादा हो जाती है। और जनरली ना लोग, मुझे लगता है कि सेल्फ फीड जो बच्चे करते हैं ना, उनके साथ ये बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से खाते हैं। अर्थू तो बिल्कुल भी मेरे हाथ से नहीं खाता, अब भी बहुत मुश्किल से मैंने उसको दो जो मैंने पैनकेक बनाए थे छोटे छोटे, मैंने वो खिलाए हैं, वो भी यहाँ वहाँ भागते भागते उसने बस खा लिया बस किसी तरह। वरना क्या होता ना फिर, अब कुछ नहीं खाता तो फिर लास्ट ऑप्शन क्या होता है हमारे पास कि बस दूध दे दो। अब तो दूध देना मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, पहले पूरी कोशिश करती हूँ कि कुछ खा ले वो, अदरवाइज़ में यार फिर वही रहता है कि बच्चा अगर दूध पी लेता है ना, तो फिर नेक्स्ट मील के लिए जो गैप होता है ना वो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि ना दूध जल्दी से फिर अर्थू को फिर मतलब होता है ना काफ़ी लंबा टाइम लगता है फिर डाइजेस्ट होने में ना, यही है। तो मैं अभी कोशिश करूँगी कि रात को सोने से पहले मैं अर्थू को दूध दूंगी, और अथर्व ने तो अपना चीला वगैरह जो बनाया था वो खा लिया था, तो बस यही है यार। और मुझे अब और कुकिंग करने का तो आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ आज मैं रात को कुछ ना बनाऊँ और बाहर से ही हम लोग कुछ खाना ऑर्डर कर लें, तो बस देखते हैं कैसा रहता है। सुरेश आएंगे तो सुरेश को मैं बोलने वाली हूँ कि आज मैं कुछ नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया, और सुरेश मुझे यही बोलेंगे आज
कि इतनी ज़्यादा कुकिंग करी है, पर मेरे लिए तो कुछ नहीं करी। हाँ ये सही बात है, क्योंकि आज मॉर्निंग में जब मैंने अप्पम बनाया ना, उससे पहले सुरेश ऑफिस के लिए निकल गए थे, तो उनके लिए आज प्रॉपर तरीके से जो भी बनाया ना उन्होंने कुछ भी टेस्ट नहीं करा है। रात को हमारी बर्गर और बिरयानी पार्टी हो गई थी, क्योंकि मैंने रात को कुछ भी कुकिंग नहीं करी थी, सिर्फ मैंने अर्थू के लिए ही थोड़ा सा हलवा बनाया था और हम लोगों ने तो यही सभी खा लिया था, तो काफ़ी अच्छा रहा। रात को थोड़ा सा रिलैक्स भी हो गया, आराम से बैठ के खा लिया, और कुछ सोने का भी ना ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि नेक्स्ट डे भी दोनों बच्चों की मतलब अथर्व की छुट्टी ही थी इस वजह से। सो इस व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करूंगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वाले व्लॉग में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।